हाय, वेलकम टू वसुस पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं पीला पनीर, कश्मीरी येलो पनीर, लजर सामन। आइए देखते हैं क्या क्या लगेगा। कश्मीरी पीला पनीर बनाने के लिए हमारे पास है पनीर जो कि हमने डाइस किया हुआ है, नमक, हल्दी, सौंफ पाउडर, थोड़ा सा दूध लगभग एक कटोरी, और तेज पत्ता, हरी इलायची, छोटी इलायची भी बोलते हैं इसको, और जीरा। तो एक कढ़ाई में अब हम तेल ले लेते हैं, तेल थोड़ा गर्म कर लेते हैं। साइड बाय साइड एक बोल में हम पानी रख लेते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक इस पानी में हम एक चम्मच नमक, पौना एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच सौंफ पाउडर ये डाल देते हैं, और तेज पत्ता, और इसमें जो इलायची है वो हाथ से तोड़ के, मतलब ताकि बस तोड़ के रख के इसको मिक्स कर देते हैं। अब जो हम पनीर फ्राई करेंगे उसको हम इस मिक्सचर में डाल। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम पनीर इसमें डाल देते हैं, डाइस किया हुआ। इसको धीमी आंच कर ले थोड़ी और फ्राई करके निकाल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन हो गया है, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। गैस कम करके इसको, ये जो पानी का घोल हमने मसाले का बनाया था उसमें डालना, बिना तेल धीरे धीरे डालें ताकि छींटे आपको ना। थोड़ा कढ़ाई में तेल ले लें लगभग एक कड़छी। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा जीरा को स्प्लटर होने देते हैं। गैस थोड़ी मैंने तेज कर दी है। जीरा जैसे ही स्प्लटर हो जाएगा, थोड़ा सा जीरा स्प्लैटर हो रहा है, गैस को कम कर दें। अब इसमें ये जो हमने मसाला बनाया था पनीर का, ये सारा डाल। अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए सिम। गाइस 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोल के देखिए, मस्त अपना जो येलो पनीर है वो अच्छे से बॉईल हो गया है मसाले में। अब इसमें एक एडिशन है जो है ये कटोरी दूध। हम देखेंगे साथ साथ मिला के कि इसमें कितना, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर आना चाहिए, ये पूरा ही जाएगा। ये देखिए इसमें कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया पीले पनीर का। और अब इसको थोड़ा तेज आंच पे 2-3 मिनट के लिए बॉयल दे देते हैं। हल्का मैंने थोड़ी सी गैप रखी। पनीर को कर देते हैं बंद। मस्त हमारी पनीर जो है रेडी हो गई है टू सर्व हॉट। मुझे बताइए ये लदर सामन येलो पनीर आपको कैसा लगा। ये आप स्टीम राइस के साथ सर्व करके गर्मा गर्म खाइए और एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन।